भाइयों, आज बहुत बड़ा संकल्प दिवस है। माननीय राहुल गांधी जी आज इस मंच से आप सबको बात करके अपनी बातें आप तक पहुंचाने आ रहे हैं और आप सबसे एक वचन लेने के लिए आज वो यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं कि देवभूमि की 5 के 5 सीटें आप जिताकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे ताकि देश में कांग्रेस का परचम दोबारा से लहरा सके। हमारे फौजी जो हमारे फौज में हमारे साथी हैं उनकी सुरक्षा हो सके। आज एक ऐसी सरकार इस देश में है जो अपने को देश में दोबारा प्रतिष्ठित करने के लिए फौजियों के साथ भी खेल खेलने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये वही सरकार है जिसने राम मंदिर बनाए के कहा था आज तक राम मंदिर नहीं बनाया। ये वही सरकार है जिसने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, 370 तो नहीं हटी लेकिन कश्मीर में आज पत्थरबाजू का राज हो गया है। ये वही मोदी है जिसने रोजगार देने की बात कही थी लेकिन आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार होके वापस अपने घरों में आ गए हैं। साथियों, इस उत्तराखंड में हरीश रावत जी ने जितने भी लोग महत्व की योजनाएं चलाई थी वो सारी की सारी टीएसआर की सरकार ने बंद कर दी है। आपकी दो पेंशन जो लगी थी, एक परिवार के 2 सदस्यों को पेंशन मिलती थी, वो आज बंद हो गई। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थनाथ की योजना को इन्होंने बंद कर दिया। हरेली के त्योहार की योजना को इन्होंने बंद कर दिया। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो रोडवेज की बसों में फ्री आने जाने की व्यवस्था थी वो इन लोगों ने बंद कर दी। और भाइयों, आज ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, जब इनका एक स्टिंग ऑपरेशन आता है इनके मुखिया के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने घूस ली है, तब जब करण मेहरा ने और कांग्रेस दल के सभी साथियों ने 310 में इसको विधानसभा में उठाने का काम किया और मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व की इजाजत से ये वादा किया प्रेस से, मीडिया से, आप सब से किस प्रदेश के 13 जनपदों के मुख्यालय में करण मेहरा उस सीडी को दोबारा दिखाने का काम करेगा जो साबित करेगा किस प्रदेश का मुखिया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री खुद घूस कांड में लिप्त है, उसके परिवार के लोग लिप्त हैं, तो करण मेहरा के घर में आग लगा दी जाती है। हम डरने वाले नहीं है, हम किसी से दबने वाले नहीं है। आज इस राहुल गांधी के और कांग्रेस के मंच से दोबारा घोषणा कर रहा हूं, बहुत जल्दी हम सारे सबूत के साथ आप सबके बीच में आएंगे और जिले जिले के हर बड़े शहर में उस सीडी का प्रसारण करेंगे जिसमें हमारे इस प्रदेश के मुखिया के ऊपर घूस के आरोप लगे। हमने चैलेंज किया इस कांग्रेस के मंच से, या तो वो जांच करवाए और जांच में अगर निर्दोष पाए जाएंगे तो जिसने भी इस स्टिंग को किया हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम कांग्रेस करेगी, और अगर मुख्यमंत्री मतलब है तो वो इसकी जांच बैठाने का काम करे, निर्दोष होगा तो हम माफ करेंगे, और कांग्रेस का काम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। और इस मंच से आज एक बात और घोषित करना चाहता हूँ, ये तो केवल 25 लाख की घूस है, हम इस प्रदेश में इस मुखिया के 100 करोड़ से ऊपर के घोटालों को आपके सामने लाने का काम इस चुनाव की बेला में करने का काम करेंगे। आप सबको मैं वादा करके आ जा रहा हूँ। अब मैं अपने